नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम आपको शिमला के बारे में ए टू जेड जानकारी देंगे। शिमला कैसे जाएं, कहां कहां घूमें, कितना खर्चा आएगा शिमला घूमने का, होटल एंड फूड एक्सपेंस। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला 2276 मीटर की हाइट पर स्थित एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, जो कि फेमस है अपनी माल रोड, रिज, लक्कड़ बाजार, जाकू मंदिर और स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। शिमला की खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों के टाइम पर शिमला गर्मियों में इंडिया की राजधानी हुआ करता था। अब बात करते हैं कि शिमला कैसे पहुँचे। सो शिमला आप बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एयर और बाय टैक्सी आ सकते हैं। पहले बात करते हैं शिमला बाय बस। बाय बस आपके पास वोल्वो और ऑर्डिनरी बस दोनों के ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप दिल्ली या चंडीगढ़ को अपना सेंटर बनाकर शिमला आ सकते हैं। दिल्ली ISBT से शिमला वोल्वो बस के चार्जेस हैं 971 रुपये और ऑर्डिनरी बस के चार्जेस हैं 531 रुपये, और चंडीगढ़ से वोल्वो के चार्जेस हैं 424 रुपये और ऑर्डिनरी बस के चार्जेस हैं 250 रुपये। मैं ये HRTC बसेस की बात कर रहा हूँ। वैसे और भी बहुत से लोकल वेंडर शिमला रूट पर चलते हैं, आप उनसे भी शिमला आ सकते हैं। बाय ट्रेन आप शिमला की फेमस टॉय ट्रेन से भी शिमला आ सकते हैं। टॉय ट्रेन लेने के लिए पहले आपको कालका रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। टॉय ट्रेन की टाइमिंग आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। टॉय ट्रेन आपको 4.5 घंटे में कालका से शिमला पहुंचा देगी। किराए की अगर बात करें तो 300 से 500 रुपये का किराया खर्च कर आप टॉय ट्रेन का ये रोमांचक सफ़र कर सकते हैं। बाय एयर भी आप शिमला आ सकते हैं। शिमला में खुद का अपना एयरपोर्ट है, जहाँ की फ़्लाइट आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। एयरपोर्ट से शिमला सिटी की दूरी 21 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी से कवर कर सकते हैं। टैक्सी का किराया 200 से 300 रुपए हो सकता है। बाय टैक्सी भी आप शिमला आ सकते हैं, जिसका किराया दिल्ली से शिमला का 6 से 8 हज़ार तक हो सकता है और चंडीगढ़ से शिमला का किराया 3500 से 5000 तक हो सकता है। अब बात करते हैं बेस्ट टाइम टू विजिट की। वैसे तो शिमला आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, पर जो पीक सीजन शिमला का होता है वो रहता है अप्रैल टू जून और दिसंबर टू फेब। इन मंथ्स में आपको शिमला में काफ़ी क्राउड और होटल बस साइट सीइंग चार्जेस भी नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा रहेंगे। अगर आप इन मंथ में आ रहे हैं तो होटल की ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आएँ। होटल की ऑनलाइन बुकिंग आप GoIBIBO या मेक माई ट्रिप से करा सकते हैं। न्यू ईयर और क्रिसमस पर स्पेशली शिमला में बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है, सो इस टाइम पर ज़रूर ऑनलाइन बुकिंग करवा कर आएँ। होटल की बात करें तो माल रोड पर आपको होटल 1500 से 2500 की रेंज में मिल जाएगा, और पीक सीजन में यही होटल आपको 3000 से 4000 की रेंज तक का मिलेगा। सबसे बेस्ट है कि आप माल रोड से 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर होटल लें, जहां पर आपको होटल 700 रुपये से 1500 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो होटल की पार्किंग जरूर चेक कर लें, जिससे कि आपकी कार आपके होटल में ही पार्क हो जाए। अदरवाइज पार्किंग के चार्जेस 50 रुपये आपको पर डे देने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि शिमला में कहां कहां घूमें। सो नंबर 1 पर आता है माल रोड। माल रोड अंग्रेजों की बनाई हुई एक वेल मेंटेन्ड रोड है, जहां पर आप शॉपिंग, कैफ़े, रेस्टोरेंट, वॉकिंग और फोटोग्राफी का लुफ्त उठा सकते हैं। माल रोड पर आपको काफ़ी सारी फेमस फूड पॉइंट्स मिल जाएंगे, जैसे कि इंडिया कॉफ़ी हाउस, सीताराम एंड सन, गुफा आशियाना रेस्टोरेंट, सिटी पॉइंट एंड त्रिशूल बेकरी। और भी काफ़ी सारे खाने पीने और शॉपिंग के बजटेड ऑप्शन आपको माल रोड पर मिल जाएंगे। सेकंड नंबर पर आता है द रिज शिमला। रिज माल रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा स्थान है, जो कि ब्यूटीफुल माउंटेन से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप बहुत सारे पॉइंट देख सकते हैं, क्रिस्ट चर्च, स्कैंडल पॉइंट और माउंटेन व्यू पॉइंट। और भी शिमला की बहुत सी कल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऑर्गेनाइज होती रहती हैं। रिज से 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता स्कैंडल पॉइंट की ओर जाता है, दूसरा रास्ता माल रोड की तरफ और तीसरा रास्ता लक्कड़ बाजार की तरफ जाता है। सो थर्ड आप घूम सकते हैं लक्कड़ बाजार। लक्कड़ बाजार फेमस है अपनी लकड़ी की आइटम्स के लिए।
यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वुडन हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स, वुलन और पश्मीना शॉल्स की शॉप देखने को मिल जाएंगी। और फेमस सीताराम एंड सन की शॉप भी आपको लक्कड़ बाजार के स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। सीताराम एंड सन फेमस है अपने छोले लूची के लिए। लूची एक तरह का कुलचा है जिसे छोलों के साथ खाया जाता है। सो आप भी जब भी आए तो ये डिश जरूर ट्राई करें। फोर्थ आप जा सकते हैं लोअर बाजार। शेरे पंजाब रेस्टोरेंट की साइड में गली जा रही है, उसी को लोअर बाजार कहा जाता है। लोअर बाजार में आप वुलन, शूज, ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग कर सकते हैं। फिफ्थ आप जा सकते हैं जाकू टेम्पल। जाकू मंदिर आप 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करके जा सकते हैं, बाय रोपवे भी जा सकते हैं और बाय कार भी जा सकते हैं। रोपवे के चार्जेस 300 रुपये एडल्ट के और 250 रुपये बच्चों के होते हैं। जाकू मंदिर का ट्रैक माल रोड से ही शुरू होता है, जो कि आप पैदल 2.5 किलोमीटर का ट्रैक कर जाकू मंदिर जा सकते हैं। जाकू मंदिर जाकू हिल्स पर 2455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हनुमान जी का मंदिर है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो उन्होंने इस जगह पर विश्राम किया था। यहाँ पर आप हनुमान जी की 108 फीट लंबी मूर्ति देख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर अनुभव है। सिक्स्थ आप जा सकते हैं कुफरी। कुफरी शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि फेमस है अपने स्नो पॉइंट एंड एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए। शिमला से कुफरी आप बस, बाय टैक्सी और बाय ओन कार आ सकते हैं। कुफरी टैक्सी पॉइंट पर पहुंचकर आप हॉर्स राइडिंग करके ऊपर पहाड़ पर जा सकते हैं। हॉर्स राइडिंग के चार्जेस 500 रुपये पर पर्सन होते हैं। कुफरी में आप स्कीइंग, हॉर्स राइडिंग, याक राइड, स्नो पॉइंट्स और कुफरी फन वर्ल्ड घूम सकते हैं। सेवंथ आप जा सकते हैं नारकंडा। नारकंडा 8100 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो कि फेमस है अपने विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए। नारकंडा के रास्ते में आपको बहुत सारे स्नो पॉइंट्स मिलेंगे, जहां पर आप स्नो एक्टिविटी इंजॉय कर सकते हैं। शिमला से नारकंडा की दूरी 60 किलोमीटर की है, जो कि आप बस या टैक्सी से तय कर सकते हैं। अगर आप नारकंडा आ रहे हैं तो आप टैक्सी से ही आएं, जिससे कि आप रास्ते में आने वाले सभी स्नो पॉइंट्स कवर कर पाएं। टैक्सी का किराया आपको 1000 से 1500 तक का पड़ जाएगा। और नारकंडा में आप देख सकते हैं एप्पल ऑर्चर्ड्स। और आप जा सकते हैं फेमस हाथू पीक ट्रैक। हाथू पीक 12000 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक फेमस ट्रैक है, जो कि नारकंडा से शुरू होता है, जो कि 3 किलोमीटर का ट्रैक है और जिसे कवर करने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। ऊपर पीक पर जाकर आप पूरी हिमालय रेंज और स्नो कवर माउंटेन देख सकते हैं और हाथू माता के दर्शन कर सकते हैं। सो अगर आप दिसंबर से मार्च के बीच शिमला आएँ तो ही आप कुफरी और नारकंडा जाएँ, क्योंकि ये दोनों ही जगह फेमस हैं स्नो एक्टिविटीज़ के लिए। स्नो के बिना कुफरी और नारकंडा जाना वर्थ नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप मार्च के बाद शिमला आ रहे हैं तो ये 2 पॉइंट्स आप अवॉइड कर सकते हैं। सो बात करते हैं कैसे आप अपना ट्रिप प्लान करें। सो आप ट्राई करें कि डे 1 की सुबह आप शिमला पहुँच जाएँ और डे 1 पर आप माल रोड, द रिज, लक्कड़ बाजार और लोअर बाजार घूम सकते हैं। ये सारी जगहें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जिन्हें आप पैदल ही कवर कर सकते हैं। सो अगर आप नारकंडा अपने प्लान में इंक्लूड कर रहे हैं, डे 2 को सुबह आप नारकंडा निकल सकते हैं और हाथू पीक कवर कर सकते हैं, जिसे कवर करने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। उसके बाद 1 से 2 घंटे आप स्नो पॉइंट घूम सकते हैं और उसके बाद वापसी आते हुए आप कुफरी जा सकते हैं, जिसे घूमने में आपको 2 से 3 घंटे लग जाएंगे। और शाम को आप माल रोड पर आकर लोकल फूड इंजॉय कर सकते हैं। और थर्ड डे आप जाकू टेंपल और तारा देवी टेंपल कवर कर सकते हैं। सो अगर आप मार्च के बाद शिमला आ रहे हैं तो आप नारकंडा और कुफरी को अवॉइड कर सकते हैं और 2 दिन में ही शिमला घूम सकते हैं। अब बात करते हैं बजट की। सो अगर आप 2 दिन का प्लान करके शिमला आते हैं विदाउट नारकंडा कुफरी, तो आपका एवरेज बजट ट्रिप दिल्ली टू शिमला का रहेगा 2900 रुपीज़ पर पर्सन बाय ऑर्डिनरी बस। और अगर आप वोल्वो से आ रहे हैं तो आपका बजट रहेगा
3800 रुपीस पर पर्सन। सो अगर आप 3 दिन का ट्रिप बनाकर आते हैं विद नारकंडा और कुफरी, सो आपका एवरेज बजट आएगा 4500 रुपये पर पर्सन बाय ऑर्डिनरी बस, 5400 रुपये पर पर्सन बाय वोल्वो बस। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।